भाजपा की स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा का गला काटने वाले को पांच मिलियन पाकिस्तानी करेंसी यानी इंडियन रुपए में कहें तो 19.5 लाख साढ़े उन्नीस लाख रुपए दिए जाएंगे ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है पाकिस्तानी चैनल लबाकियन टीवी के ट्विटर हैंडल से वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की ए आई इनकलाब पार्टी के नेता कावी अब्बासी ने नूपुर शर्मा की हत्या करने वाले को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मुसलमान अल्लाह की शान हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में और और जो भी आज तक करते आए हैं उनके लिए हमने बाउंड्री रखी थी जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करें उनको एक करोड़ का बाउंड्री रखा था मैं वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाली प्रवक्ता के खिलाफ वे एक्शन लें भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स के खिलाफ एक्शन लीजिए इसी सब के बीच में मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ धारा दो ए एक और 505 दो के अंतर्गत एफआईआर लिखी है यह एफआईआर उन पर रचा एकेडमी चलाने वाले भाई भाईजानों ने लिखवाई है उधर नूपुर शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि उन्हें उनकी फैमिली को अलग अलग सोर्सेज से डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं रेप थ्रेट्स मिल रही हैं उन लोगों को जान से मार देने की धमकी भी मिल रही है इसको लेकर नूपुर शर्मा ने भी कंप्लेन दर्ज कराई है अब भाई नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया जो उनके लिए सरतन से जुड़ा के फतवे निकलने लगे हैं और इनाम घोषित होने लगे हैं इसी के साथ मुंबई पुलिस ने जो धारा दो सौ और एक सौ में केस दर्ज किया है वो क्यों किया है ये सब जानेंगे इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक तो जी हुआ कुछ यूं कि 27 मई को टाइम्स नाउ पर एक डिबेट चल रही थी डिबेट का मुद्दा था काशी विश्वनाथ मंदिर और उसे तोड़कर बनाई गई मस्जिद अब आप सबको पता ही होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही कोर्ट के ऑर्डर से उसी सर्वे में यह बताया जा रहा है कि वहां जो मंदिर के ऊपर मस्जिद है उसके अंदर एक शिवलिंग भी है जहां भाईजान लोग वजू करते थे वजू मतलब हाथ पैर धोते थे कुल्ला करते थे जी उसी शिवलिंग पे जिसकी हम पूजा करते हैं अब जैसे ही ये बात मीडिया में आई तो रिलीजन ऑफ प्रोपोगेंडा वालों ने उसे फवारा बताना शुरू कर दिया कि जी वो तो फवारा है कोई शिवलिंग नहीं है जैसा कि आमतौर पर करते ही है यही बात डिबेट में तस्लीम रहमानी जिसके दादा कन्वर्ट हुए थे ये बात तस्लीम रहमानी ने खुद टीवी में एक्सेप्ट की और अन्य भाईजान जो लोग थे वो शिवलिंग को फवारा बोल रहे थे इसी बात पे नूपुर शर्मा ने एंकर नविका से कह दिया कि नविका जी ने कह दो हमारे रिलीजन की इंसल्ट करना बंद कर दें वरना हम भी टिट फोर टैट कर सकते हैं इतने कैपेबल हम भी हैं फॉर एग्जाम्पल ये बेशक उसे फवारा कहें पर कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया है कि वो शिवलिंग जैसा कुछ है इसी बीच रहमानी फिर भोंकने लगा तो नूपुर ने उसे जवाब देते हुए कह दिया कि तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े अर्थ इज फ्लैट ये जो कुरान में लिखा है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं मैं भी छह साल की बच्ची से ब्याह करके एट एज ऑफ नाइन यू आर हैविंग सेक्स विद हर किसने प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दू मैं आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए नूपुर शर्मा तस्लीम रहमानी से पूछ रही है कि बता दू मैं भी ये सब इसमें क्या डेरोगेटरी कह दिया भाई उसने अरे उसके मन में आया तो उन्होंने तो पूछा तुमसे कि बताऊं कि नहीं मुझे तो कई बार लगता है कि धरती चपटी नहीं है उस पर रहने वाले भाईजानों की खोपड़ी चपटी है इतनी सी बात इन्हें समझ में नहीं आई कि उन्हें वो पूछ रही है बता नहीं रही है पर नहीं इन्हें तो हैशटैग फीलिंग थ्रेटेंड करने का मन कर रहा था भाईजानों को उसके बाद एक कल्ट न्यूज है सॉरी अल्ट न्यूज है उसका एक हलाल फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर उसने एक ट्वीट किया जिसमें नूपुर शर्मा की ये वीडियो थी और जुबैर ने लिखा कि हेट फैलाई जा रही है हेट मॉन्गरिंग हो रही है मुस्लिमों के प्रति साथ में उसने टाइम्स नाउ के मालिक विनीत जैन को भी टैग किया कि भाई नविका शर्मा को भी डरा सके अब उसने विनीत जैन को क्यों टैग किया इसके बारे में एक वीडियो हमने पहले बनाई थी जिसमें हमने सोल एलेंसकी का रूल बताया था कि भाई नेवर टारगेट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑलवेज पर्सनलाइज योर टारगेट है ना तो इसीलिए नविका कुमार को टारगेट भी करना चाह रहा था जैसे ही जुबैर ने ये सब ट्वीट किया उसके बाद से कई और बड़े इस्लामोफिल्स जैसे टू बी एच की वाली दलायर की रोहिणी सिंह निखिल हैनरी तरुसी असवानी सोएब डैनियल अशोक स्वाइन वरुण ग्रोवर चंदा चोर राणा और 72 अदर्स ने नूपुर के खिलाफ ट्वीट करने शुरू कर दिए या जुबैर ने जो हेट इंस्टिगेट की नूपुर के खिलाफ उसका समर्थन किया यही नहीं वाशिंगटन पोस्ट में प्रोपोगंडा पीसेस लिखने वाली और चंदा चोर राणा अयूब के भाईजान आरिफ अयूब ने तो यहां तक सजेस्ट कर दिया कि अगर गल्फ कंट्रीज भारत में तेल सप्लाई रोक देंगे तो भारत के हिंदुओं को सफर करना पड़ेगा इनडायरेक्टली यह धमकी देना चाह रहा है और गल्फ देशों को इशारा कर रहा है कि तेल रोक दो काफी रोका अब इसमें सबसे मजे की बात जो है कि जुबैर कल्ट न्यूज चलाता है सॉरी जो अल्ट न्यूज चलाता है ये खुद को फैक्ट चेकर बताता है पर इसके लक्षण देख के तो लगता है कि ये किसी और चीज का ही चेकर है हाँ जी वही जो आप समझ रहे हैं मुझे कई बार डाउट होता है कि कहीं ये खुद का जेंडर तो एज अ फैक्ट चेकर आइडेंटिफाई नहीं करता और वो किसी से असली का फैक्ट चेकर वाला मान बैठे हो देख लियो कहीं इसका जेंडर फैक्ट चेकर और तुम इसका प्रोफेशन फैक्ट चेकर मान बैठे हो हेलो सुन रहे हो जो कह रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट चेक करने वाला तो लगता ही नहीं है क्योंकि अगर ये सही में फैक्ट चेकर होता तो कायदे से क्या करना चाहिए था इसे बींग अ सेल्फ डिक्लेयर्ड फैक्ट चेकर भाई नूपुर की कई बातों का फैक्ट चेक कर देना चाहिए था कि यही इसका काम भी है ये बताता है खुद को सिंपल सी बात भाई उसमें बता देता कि देखो नूपुर शर्मा जो है झूठ बोल रही है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हमारी वार मैनुअल्स में सॉरी अरे गलती हो गई सॉरी आई मीन हमारी होली बुक्स में दुनिया भी जान जाती सबको पता चल जाता कि नूपुर शर्मा सच बोल रही है झूठ बोल रही है पर इस लवडे के फैक्ट चेकर से ये काम नहीं हुआ भाई नूपुर शर्मा ने क्या कहा पूरी वीडियो में उन्होंने कहा कि उड़ने वाला घोड़ा अब अलजुबैर फैक्ट चेक करके बता दे कि नहीं ये झूठ बोल रही है हमारी जो होली बुक है उसके चैप्टर सेवनटीन वर्स वन में ऐसा नहीं लिखा है सिंपल जैसे नूपुर ने दूसरी बात बोली कि भाई अर्थ इज फ्लैट तो जुबैर फैक्ट चेक करके बता देना कि उनकी होली बुक के चैप्टर 18 वर्स 47 में ऐसा नहीं लिखा भाई नूपुर ने बोला कि छः साल की बच्ची से ब्याह और नौ साल की होने पे उसके साथ सेक्स तो जुबैर क्यों नहीं फैक्ट चेक करके बता देता है कि भाई हदीस शाही अल बुखारी 5234 बुक 67 हदीस 70 में नहीं लिखा है क्यों नहीं फैक्ट चेक करके दुनिया को बता देता है ये नहीं लिखा है हदीस सुना अन सही थर्टी बुक ट्वेंटी सिक्स हदीत थर्टी थ्री एटी में भाई जहां प्रोफेट की वाइफ आयशा ने बताया है कि अल्लाह के मैसेंजर ने मुझसे निकाह किया जब मैं छः साल की थी और उस निकाह को कंजुमेट किया जब नौ साल की थी और तब मैं खिलौनों से खेला करती थी और ऐसा नहीं है कि नूपुर नहीं ये लास्ट वाली बात कही हो ये बात तो तुम सबका अब्बा एक भी सेम यही बात कई बार बता चुका है तो इसका मतलब वो भी हेट स्पीच फैला रहा है इट इज वेरी क्लियरली मैं बुखारी वार्ड नंबर फाइव हदीत नंबर थ्री एट नाइन सिक्स दैट प्रॉफिट मोहम्मद अपॉन हिम he he contracted the the marriage with Aisha Anha at the age of six, and he consummated the marriage after she had completed the age of nine। वो झूठ बोल रहा है हाँ भाई जुबैर पूछ रहा हूं तेरे से ही कुछ पर इतना सिंपल सा जो काम है ना वो ये नहीं करेगा चादर मोद ये डंडी डोना करेगा हेट स्पीच फैला रहे हैं मुस्लिमों के प्रति अबे डीके बोस नूपुर तो खुद से कुछ कह ही नहीं रही वो तो एक किताब को कोट कर रही है जैसे तू भी मानता और तेरे जैसे मानने वाले भारत में पच्चीस तीस करोड़ है अब अगर तू कह रहा है कि वो हेट स्पीच फैला रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हेट स्पीच की जड़ वो किताब है तो भैया रूट पे काम होना चाहिए या पत्तियों पे होना चाहिए भाई जड़ पे वार होना चाहिए ना है पर जुबेर ये नहीं करेगा क्योंकि उसको ना ही किसी फैक्ट से मतलब है ना ही किसी फैक्ट चेक से उसे करना है अलतकिया उसे करनी है अपने दीन की खिदमत उसे करना है जिहाद काफिरों को मूर्ख बनाए रखना भी जन्नत जाने का टिकट टाइप ही होता होगा और इस काम के लिए ना जुबेर को मरने के बाद मिलेंगी बहत्तर वर्जिन हुरे और यहाँ जीते जी ये सब करने के लिए जुबेर को मिलते हैं रुपये यानी कि कुछ भी फ्री में नहीं होता बहुत सारे रुपए मिलते हैं जकात के अलावा काफिर भी इसके वेंचर को फंड करते हैं जब से इसने नूपुर शर्मा के खिलाफ हेट सिग्नल किया है तब से इसे दबा के डोनेशन आ रही है इसीलिए ना ये कहीं भी रहते हैं अपने दीन की खिदमत नहीं छोड़ते वरना कायदे से तो जुबेर का जो प्रोपोगेंडा पोर्टल है कल्ट न्यूज सॉरी अल्ट न्यूज़ वो फंड नहीं फंड से मिलता जुलता कुछ डिजर्व करता है हाँ वही जो इस बार भी तुम सही गैस कर रहे हो उधर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हे hey, मेरे देश के पुलिस वालों आपको एफ आई आर करनी है तो उस किताब पर करो ना यार जो ये सब हेट फैला रही है जो बंदा ये बता रहा है कि जी ये किताब है वो हेट फैलाती है उन उनपे क्यों कर दे रहे हो भाई 295 ए और 153 फिफ्टी उस किताब पर लगाओ ना जो ये सब कह रही है और ऊपर से मेरे जो ये डीअर वोक्स हैं जो कैंसिल कर चुके होंगे टाइम्स नाउ को बीजेपी को मोदी को इन्होंने कब का ही कैंसिल कर रखा है तो भैया अगर तुम्हें सही में कुछ कैंसिल करना है तो उस बुक को करो ना जो हेट फैलाती है मतलब भाई जुबैर आपको हेट स्पीच रोकनी है तो उस किताब को रोको ना जो ये सब हेट प्रोपोगेट कर रही है नूपुर शर्मा ने तो बस उस किताब में जो लिखा उसका थोड़ा सा बोला है और तुम्हारी अभी से फटके फ्लावर हो गई है अरे बेटा अभी तो बहुत कुछ बोला ही नहीं गया है जो किताब करने को कहती है काफिरों के साथ अभी तो काफिर ने पढ़ना शुरू किया है आई I मीन mean, स्टार्टर शुरू किए हैं अभी तो मेन कोर्स भी नहीं आया उसके बाद डेजर्ट्स आएंगे फिर काफिर पान भी खाएंगे अभी तो बहुत कुछ होना है हैं और जुबैर तू तू बेटे घबरा मत जो काम प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के लिए किया था ना वही काम रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग के लिए इंटरनेट करेगा इस बार यू जस्ट वेट एंड वॉच तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलें हमें कमेंट बॉक्स में पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों को भी दिखाएं बाकी हमारा काम अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग हमें सहयोग भी कर सकते हैं क्योंकि ना ही हमें कोई जकात मिलती है और ना ही सोरो संकल है हमारे पास जो कोई ग्रांट्स देते हैं और ना ही मरने के बाद हमें मिलेंगी बहत्तर वर्जिन हुरें ठीक है अकाउंट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के जय श्री राम